हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको PIL के बारे में बताने वाला हूं। PIL यानी कि जनहित याचिका। दोस्तों, इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे प्रश्न पिछले काफ़ी दिनों से कमेंट्स में पूछे जा रहे थे, तो इसलिए मैंने ये चूज किया कि आज आपको PIL के बारे में ही बताया जाए। PIL क्या होती है, PIL कौन फाइल कर सकता है, PIL कहाँ पर फाइल की जा सकती है, PIL की फाइल करने की प्रोसेस क्या है, कितनी फीस लगती है इसको फाइल करने में, कितना समय लगता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं दोस्तों। और पूरा वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि PIL के लिए आपको कैसे मूव करना है। PIL को हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं, यानी कि ऐसी याचिका जो कि जनसाधारण के हितों को ध्यान में रखकर फाइल की जाती है। तो दोस्तों, स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो में बने रहिएगा, और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें। दोस्तों, PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसे हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं, यानी कि एक ऐसी याचिका जो जनसाधारण के हितों को ध्यान में रखकर दायर की जाती है। और दोस्तों, ये जो याचिका है ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी सामान्य नागरिक के द्वारा या किसी भी संगठन के द्वारा दायर की जा सकती है। अब दोस्तों, ये कैसे मामलों में दायर की जा सकती है, जैसे कि किसी को उसके बुनियादी अधिकार नहीं मिल रहे हैं, किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, किसी पर्टिकुलर समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है, या किसी और प्रकार से आम नागरिक, आम जनता को परेशानी हो रही है, तो दोस्तों इन सारी ही परिस्थितियों में जनहित याचिका यानी कि PIL फाइल की जा सकती है। दोस्तों, PIL के केस में ये आवश्यक नहीं है कि जो पीड़ित पक्ष हो वो स्वयं न्यायालय में उपस्थित हो। दोस्तों, ये PIL किसी भी आम नागरिक के द्वारा, किसी भी संगठन के द्वारा या स्वयं माननीय न्यायालय के द्वारा भी दायर की जा सकती है। आप में से कोई भी व्यक्ति भी जनहित याचिका दायर कर सकता है। यदि आपको लगता है कि समाज में कुछ बुराई है और उस बुराई की वजह से काफी सारे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, तो उस बुराई के खिलाफ जनहित याचिका एक आम नागरिक भी फाइल कर सकता है। दोस्तों, जनहित याचिकाओं से काफी राहत मिली है, चाइल्ड लेबर के केस में, मानव अधिकार के केस में, शिक्षा, चुनाव के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, और ऐसे अनेक मामलों में जनहित याचिकाओं से राहत मिली है और समाज में एक परिवर्तन भी आया है। तो इस तरह से दोस्तों, जनहित याचिका एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। यदि आपको लगता है कि समाज में बहुत सारे लोगों के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो इसकी रेमेडी जनहित याचिका के रूप में आपके पास अवेलेबल है। अब दोस्तों, सबसे खास बात जनहित याचिका के संबंध में यह है कि जनहित याचिका भारतीय संविधान या किसी भी कानून में परिभाषित नहीं है। इसकी उत्पत्ति सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक व्याख्या के द्वारा हुई है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग इस चैनल को इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो कर लें। दोस्तों, है क्या, देखिए, यूट्यूब पर हमारी इतनी बड़ी फैमिली है, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं और लीगल अवेयरनेस का एक प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन दोस्तों सिर्फ यूट्यूब पर निर्भर रहना सही नहीं है। दोस्तों, यदि आप और प्लेटफॉर्म्स पर भी आएंगे तो वहां भी हम आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे प्रोग्राम्स लेकर के आएंगे, जिससे आपकी जानकारी बढ़ेगी। अभी क्या है दोस्तों, यूट्यूब पर हमारी काफी बड़ी फैमिली है, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर भी आप फॉलो कर लीजिए। जब हमें लगेगा कि वहां पर भी हम लोग एक साथ बैठे हैं, तो वहां पर भी आप लोगों के लिए इस तरह की चीजें मैं लेकर के आता रहूंगा। अभी क्या है दोस्तों, यहाँ पर YouTube पर तो 75,000 लगभग सब्सक्राइबर हैं, लेकिन अगर आप Instagram, Twitter पर देखें तो वहां पर लोग अभी बहुत कम हैं, 1,000 लोग भी पूरे नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों, कैसे पॉसिबल है कि कोई प्रोग्राम वहां पर लेकर आया जाए, क्योंकि दोस्तों जब भी इस प्रकार की कोई वीडियो बनाई जाती है, कोई भी लीगल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाई जाती है, तो उसमें काफी समय लगता है। तो दोस्तों, यदि हम इतना समय उसमें लगाएं तो कम से कम इतना तो हो कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों का लिंक मिलेगा, Instagram का, फेसबुक पेज का और ट्विटर का। आप वहां जाकर के जरूर इसको फॉलो कर लीजिए, ताकि उन पर भी इस प्रकार के लीगल प्रोग्राम स्टार्ट किए जा सके। अब दोस्तों, जनहित याचिका के संबंध में मैं आपको कुछ नियम बता देता हूं। यहां तक आ जाता है कि जो याचिका करता है वो सिंपल एक पोस्ट कार्ड भी लिख करके भेज देगा, तो इसको भी जनहित याचिका कंसिडर किया जाएगा। मतलब कि इसको सिंपल बनाने की कोशिश की गई है, ताकि भारत का हर एक नागरिक इसका उपयोग बड़ी आसानी के साथ कर सके। दूसरा दोस्तों, लोकहित से संबंधित कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन इसको लेकर के आ सकता है, और कोर्ट को यह भी अधिकार होगा कि वो यदि चाहे तो जनहित याचिका पे लगने वाले शुल्क को कम भी कर सकती है या फिर माफ भी कर सकती है। और दोस्तों, ये जो जनहित याचिका होती है, ये स्टेट के साथ साथ जो निजी संस्थान है उनके विरुद्ध भी लाई जा सकती है। अब दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि ये जनहित याचिका दायर कहां की जाती है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, ये जनहित याचिका केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर हाई कोर्ट में ही दाखिल की जा सकती है, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 के अंतर्गत। अब दोस्तों, बात आती है कि जनहित याचिका कोर्ट में फाइल कैसे की जाती है, यानी कि इसका प्रोसेस क्या है। देखिए, सबसे पहले तो जो याचिकाकर्ता है उसको मामले की पूरे अच्छे तरीके से छानबीन कर लेनी चाहिए कि जिस मामले में वो जनहित याचिका दाखिल करने जा रहा है
उससे संबंधित जो भी लोग हैं उन सबसे डिस्कशन कर ले, परामर्श कर ले, जो इविडेंस ले सकता है वो ले ले, यानी कि जो अन्याय उनके साथ हो रहा है उसका कुछ इविडेंस भी कलेक्ट कर ले और सबकी सहमति से ही जनहित याचिका दाखिल करे। अब दोस्तों यदि आप ये जनहित याचिका यानी कि अपनी PIL हाईकोर्ट में फाइल करते हैं तो हाईकोर्ट में ये दो कॉपी में आप फाइल कर सकते हैं और इसकी एक कॉपी अग्रिम रूप में आपको रिस्पोंडेंट यानी कि अपोजिट पार्टी को भी देनी होती है और इस जनहित याचिका के साथ आप ये प्रूफ भी लगाएंगे कि आपने इसकी एक कॉपी अपोजिट पार्टी को यानी कि प्रतिवादी को भेज दी है। और दोस्तों यदि आप ये जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल करेंगे तो ये आपको 5 कॉपी में वहां पर देनी होती है और दोस्तों इस केस में ये प्रतिवादी को तभी भेजी जानी चाहिए जब कोर्ट इसके लिए नोटिस जारी कर दे। अब दोस्तों इसमें हम शुल्क की बात कर लेते हैं यानी कि इसमें खर्चा कितना आता है। देखिए दोस्तों पहले आप ये समझ लीजिए कि जो PIL है इसमें आप खुद भी बहस कर सकते हैं। यदि आप बहस करने में सक्षम है तो आप खुद भी बहस कर सकते हैं। यदि आपको कानूनी जानकारी नहीं है तो अच्छा होगा कि आप किसी वकील को इसके लिए अपॉइंट कर लें। तो दोस्तों जो इसमें शुल्क की बात है वो 50 रुपए प्रति प्रतिवादी के हिसाब से शुल्क होता है, यानी कि यदि आप मान लीजिए ये 10 लोगों के खिलाफ दायर कर रहे हैं तो प्रति व्यक्ति 50 रुपए आपको शुल्क देना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने किसी वकील को किया है तो उस वकील की फीस भी होती है। अभी डिपेंड करता है कि कौन वकील है, वो क्या स्टेटस रखता है और उसका कितना फीस स्ट्रक्चर है। तो ये दो खर्चे आपके होते हैं यानी कि एक तो शुल्क प्रति व्यक्ति और दूसरा आपके वकील साहब की फीस। अब दोस्तों ये आपने जो जनहित याचिका दाखिल की है ये जरूरी नहीं है कि स्वीकार ही हो जाए, ये स्वीकार होती है या नहीं होती है ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर निर्भर करता है कि वो इसको किस एंगल से देखते हैं, किस तरह से लेते हैं। दोस्तों आप एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग जो भी जनहित याचिकाएं फाइल की जाती हैं उनमें से 40-50% जो जनहित याचिकाएं होती हैं वो स्वीकार होती हैं और बाकी की अस्वीकार होती हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न जो कि अधिकतर लोग करते हैं कि सर जनहित याचिका में समय कितना लगेगा, समय कितना लगेगा ये निश्चित नहीं है। जब मामला ऐसा होता है जो कि किसी की जान माल से संबंधित है, मानव अधिकार से संबंधित है या और कोई अर्जेंसी मैटर है तो इसमें तो कोर्टें कोशिश करती है कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई की जा सके, लेकिन दोस्तों यदि मामला ऐसा नहीं है तो इसमें कई साल भी लग सकते हैं क्योंकि दोस्तों अभी जनहित याचिकाएं भी बहुत ज्यादा दाखिल की जा रही हैं और इनकी भी पूरा आप ये लगा लीजिए फ्लड सा आ गया है, बाढ़ आ रखी है, इतनी जनहित याचिकाएं हैं, कोर्ट में इतना ज्यादा काम है कि इनमें समय लगना निश्चित होता है। अब देखिए दोस्तों जो भी चीज अच्छे के लिए होती है हमारे यहाँ पर उसका मिसयूज होने लगता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी जनहित याचिकाओं का भी बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है, यानी कि गलत जनहित याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं राजनीतिक लाभ के लिए या फिर अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जनहित याचिकाएं लोग दाखिल कर रहे हैं। इसमें दोस्तों ये प्रावधान भी है कि यदि कोर्ट को लगता है कि आपके द्वारा दाखिल जनहित याचिका से कोर्ट का समय नष्ट हुआ है, बर्बाद हुआ है और उसमें आपका किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ छुपा हुआ है तो ऐसे केस में वो आपकी जनहित याचिका को कॉस्ट लगा के खारिज भी कर सकती है, यानी कि आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है कोर्ट का समय वेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों ये थी PIL के बारे में संपूर्ण जानकारी, उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, PIL से रिलेटेड आपकी जो क्वेरीज थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी होंगी। और दोस्तों यदि इसके बावजूद भी कुछ ऐसा है जिससे संबंधित आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में कोशिश करूंगा मैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर करके आपके लिए एक और नया वीडियो इस पर लेकर के आऊं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।